हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। अपने बच्चों के लिए तो मैं बना चुकी, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहाकर आई थी। और यहाँ पर मोलू की चल रही है शैतानी, तो वो फ्रिज में से किशमिश लेके आया है और कह रहा है कि मम्मी मेरी जेब में भर दो। दोनों जो जैकेट है उनकी जेब में रख रहा है, पॉकेट में रख रहा है यानी। तो उसको मैंने किशमिश दी और थोड़ी सी मैं खुद भी खा रही थी। तो वो तो मुझे सारे दिन परेशान करता ही रहता है और यहाँ पे मैंने भी दो तीन किशमिश खा ली थी, अच्छी लग रही थी खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने दो ब्रेड रेडी की है, तो एक इसमें से आरू खाने वाली है और एक ब्रेड, और मैं एक गिलास दूध लेने वाली हूँ क्योंकि बिना दूध के मुझे तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और शायद इसी वजह से ना मैं मोटी भी होती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, बट वो तो मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा दूध और ब्रेड रेडी था, तो नाश्ता मैं कर चुकी अपना और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, मैं और कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी है लेकिन ना मन नहीं कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीबन बेसन लिया है और उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक और बिल्कुल एक चुटकी के समान मैंने डाला है सोडा, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो फिर जो पकौड़ियाँ हम बनाएंगे ना वो फिर फट जाएंगी। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी और एक थिक सा बैटर बना लूँगी जिससे कि हमारी जो पकौड़ी है वो अच्छे से बन जाए। तो उसे थोड़ा सा चलाते हुए एकदम फेंट लेना है, उससे क्या है कि पकौड़ी एकदम बहुत अच्छी बनती है, टाइट भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। थोड़ा सा आपको बैटर को इस तरह से ना घुमा लेना होता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ज़्यादा गाढ़ा या पतला ना हो जाए। तो बिल्कुल जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी बस वैसा हो गया बैटर। तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं सारी और बस ये पकौड़ी हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी कढ़ी की। तो बस यहाँ पकौड़ी भी हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पे फिर से ना 2 चम्मच के करीबन बेसन ले लिया। और जो मैं एक्चुअली दही लेकर आई थी मार्केट से, तो उस दही को ना मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से क्योंकि मुझे उसका मठा बनाना था यानी छाछ। तो आप देख सकते हैं कितना मक्खन हो रहा है अभी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा मठा डाल के जो मैंने बेसन लिया ना उसको एकदम मैं पतला सा बैटर बना रही हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है, और इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि गांठे ना पड़ जाएं, नहीं तो बेसन में गांठे पड़ जाती है ना। फिर जो भी जितना भी मठा था वो सारा मैंने कटोरे में डाल दिया और ये पकौड़ियाँ हो गई हैं, तो ये मैंने निकाल ली। उसके बाद मैंने कढ़ाई पर रखी है एक स्टील की भगोनी और ये वही तेल है जिसमें मैं पकौड़ियाँ तल रही थी, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा इसमें डाल लिया। और बस यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया, हींग अभी है नहीं ख़त्म हो गई है, और सूखी लाल मिर्च ऐड की है और प्याज ऐड कर दिए। और बस फटाफट से अब मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और आजकल पता है मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वहाँ पे प्याज कितनी महंगी आ रही है, मैं तो मस्त बनाती थी। तो बताती हूँ प्याज की प्राइस क्या है। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए, और ये सारे मसाले भुन जाएंगे। उसके बाद जो मैंने दही और बेसन का जो मैंने घोल बना के रखा था कढ़ी का, वो मैं इसमें डाल दूँगी और अब अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ी में बॉईल ना आ जाए। और यहाँ पर मैं 2 ग्लास के करीबन पानी भी डाल दूँगी क्योंकि बहुत गाढ़ा दही था और मैंने उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था इसकी वजह से। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास के करीबन पानी डाल दिया और अभी से बॉईल आने तक अच्छे तक मैं इस तरह से चलाते हुए पका लूँगी क्योंकि कढ़ी में बॉईल आना बहुत ज़रूरी होता है। और साइड में जब तक कढ़ी में बॉईल आ गया तब तक मैंने साइड में यहाँ पे राइस भी बनने रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक क्योंकि कढ़ी में अच्छा खासा बॉईल आ गया, और साथ ही साथ जो भी किचन थोड़ा बहुत फैल गया था उसको मैं समेट रही हूँ। और हाँ, मैं आपको प्याज की प्राइस बता रही थी ना, तो मेरे वहाँ तो प्याज काफ़ी सस्ती है, फिर भी 100 रुपये किलो है, कहीं कहीं जगह तो 200, 250, 300 तक पहुँच गई है, बट मेरे वहाँ पर 100 रुपये किलो है, इसलिए इतने कोई खास दिक्कत नहीं है। तो मैं हमारे घर में बिना प्याज का तो कुछ भी नहीं बनता, हर चीज़ में प्याज चाहिए। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन चुकी, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है पकौड़ी और 5-10 मिनट में अभी इसे और खदकने दूंगी, उसके बाद मेरी कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो बस कढ़ी बन के रेडी हो चुकी और जय भी आ चुके हैं स्कूल से, तो मैंने फटाफट उनके लिए कढ़ी चावल सर्व कर दिए। और कुछ आज बना ही नहीं था, बस कढ़ी चावल ही खाने थे सबको। हेलो एवरीवन, तो अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं और मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी बैठ के, और तब तक मोलू ने सच में मेरे घर को ना कबाड़ा, कचरे का डब्बा, जो भी आपको हो डस्टबिन, वो बना दिया। देखो दिख रहा है ये आपको पूरा नीचे, और ये पूरी है ना, ये मैगी पड़ी है, दिखाऊं, उठा के दिखाती हूँ। देखो तो कल मेरे घर में मैगी आई, वैसे आती नहीं है, इसी वजह से नहीं आती कुछ, तो देखिए
तो उसने वो खाता नहीं है मैगी, लेकिन वो क्या करता है कच्ची मैगी लेके आता है, और मेरी जो छोटी वाली कढ़ाई है ना इतनी छोटी, वो कढ़ाई लेके आता है, और ये वाला स्पैचुला है ना ये उसका फेवरेट है। तो भाई साहब यहाँ पे मैगी बना रहे थे, पूरी मैगी को तोड़ दिया, उसमें नमक डाल दिया, और यहाँ पे उसकी सब्जी मैगी जो भी बनना था बन गया। तो बस अब मैं उठने वाली हूँ और इसको साफ करने वाली हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा शाम हो जाएगी तो झाड़ू नहीं करेंगे घर में। तो जो कुछ भी मोलू ने फैलाया था उसको मैं अभी समेट रही हूँ। ये तो हर माँ का काम खैर होता ही है कि बच्चे फैलाते हैं और माँ को समेटना पड़ता है, लेकिन मोलू ना मेरा कुछ ज़्यादा ही घर गंदा कर देता है, मुझे ज़्यादा ही परेशान कर देता है। लेकिन क्या करूँ, अब मैं उसे भी कुछ कह नहीं सकती, वो छोटा है अभी इसकी वजह से, और बहुत परेशान करता है सच में। रियल में अगर 24 घंटे की अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग देखो तो यही कहो कि मोलू कितना परेशान करता है। मेरी आरू है ना मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है, मैं खाना दे देती हूँ खा लेती है, अपनी टीवी देखती है, बच्चों के संग खेलती है, ट्यूशन जाती है, लेकिन ये मुझे जैसा लगता है कब बड़ा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जो मैगी फैली हुई थी उसको साफ़ कर दिया, मैट को मैंने चटक के रख दिया, और जो ब्लैंकेट वगैरह फैले थे जिनको यानी हम ओढ़ के बैठे थे दोपहर में, तो वो मैंने सब उठा के रख दिए। और वो वाला रूम तो खैर मेरा साफ है, इतना गंदा नहीं है, झाड़ू ना भी लगाऊं तो भी चल जाएगा ऐसा है, बट मैं बार बार से थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू उसमें भी लगा लाई थी कि थोड़ा बहुत अगर कुछ हो गया हो तो, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, और बस जो भी था वो इसी रूम में था। तो बस फटाफट से देखिए आप कितना सारा कूड़ा निकला है, मैं झाड़ू लगा कर ला चुकी, और देखो उसने यहाँ पे लाके कंघी फेंक दी है, वो तो ना सारे दिन ऐसे ही खुरापाती करता रहता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लग चुका मेरा, और बाहर भी लगाऊंगी वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो बस पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आई हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। ठंड तो इतनी पड़ रही है ना, लेकिन क्या करें मजबूरी है, ये भी काम तो ज़रूरी है, क्योंकि झाड़ू लगाया है तो फिर पूरा चेहरा ना एकदम मैसी मैसी सा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर अभी अपना फेस वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद वही शाम की तरह हर लेडी जिस तरह से थोड़ा बहुत तैयार होती है बस वही, क्योंकि आजकल मैं टोपा लगाती हूँ ना तो मेरे बालों में भी काफ़ी गूंज पड़ जाती है, तो फिर शाम को चोटी करना भी ज़रूरी होता है, और आजकल मैं इसी वजह से चोटी कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा जूड़ा करती हूँ, तो जूड़े में ना टोपा लगता नहीं है और बिना टोपा के मुझसे चलता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ रेडी होके अभी जाने वाली हूँ दूध लेने के लिए, तो चलो मैं आपको भी लेके चलती हूँ कि हमारे वहाँ पे कहाँ से दूध आता है। क्या कर लोगे, कहाँ जाओगे, बाहर क्यों, इसको छोड़ो पहले, इच्छा आप क्या खा खा के चरा के गंदा करते हो तुम, नहीं करते हो प्यार कर लो कर लिया मम्मा 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 जाओ खेलो चलो। तो मुझसे कह रहा है मम्मा बाहर चलो बाहर चलो, देखो अरे मोलू बेटा तुम्हें ना इसमें चूहा घुसवा के मानोगे, मैंने सारा ग्रोसरी का सामान इसमें रख दिया, अब पूरे दिन इसी में लगा रहता है ये, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बंद करो उसको चूहा आ जाएगा उसमें, एक तो घर में इतने चूहे हो गए ना, पड़ोस का घर बन रहा है तो उनके वहां से ना सारे चूहे मेरे घर में ट्रांसफर हो गए, अब इनको कैसे निकालू, क्योंकि घर में इतना सामान पड़ा वो निकलते नहीं, यहाँ से निकालू तो वहां घुस जा रहे हैं, गाँव में ना इन सब चीजों को लेके बड़ी परेशानी होती है, बहुत कुछ चिलना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना फ्लैट के घर अच्छा लगता है, फ्लैट के घर में एटलीस्ट चूहे और कॉकरोच ये चीजें तो नहीं होती, कॉकरोच तो खैर मेरे घर में नहीं है, बट चूहों ने तो ये समझो कि मेरे नाक पर दम करके रखी है। मोलू के पगला रहे हो क्या बेटा बिल्कुल से, लो पकते जल्दी आप। तो मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए, ये 2 दिन से कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ अगर ये सूख गए हों तो ले जाऊं इनको नीचे, और नहीं सूखे होंगे तो फिर रात को डाल दूंगी, सूख तो गए हैं पर ऐसे ठंडक से नहीं हो जाते, सील जाते हैं बस वैसे ही हो गए हैं, तो सारे कपड़े ले जाके अब मैं नीचे डाल दूंगी, बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश यानी ठंडियों के मौसम में, बारिश से ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो फिर और आज जो कपड़े धोए वो तो मैंने सूखने भी नहीं डाले, उनको तो ना मैं नीचे रूम में ही डाल दूंगी। चलो मैं कपड़े उतार लेती हूँ सारे, तो सारे कपड़े मैंने ले लिए, ये भर गई लॉन्ड्री, और आरू की ये एक कपड़ा नीचे गिर गया था तो वो भीग गया है बारिश में, इसी वजह से ना बारिश होती है ना तो मैं यहाँ पर कपड़े सुखा नहीं सकती, भीग जाते हैं।
देखो 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 ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? हे मोलू, पीछे पीछे आ गए हैं। मम्मी कहाँ चली गई? सबसे बड़ी समस्या, इनको सुखाऊं कहाँ? और ये देखिए पीछे बंध गया तार। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं दूध लेने, तो मोलू बैठा है मेरे पास पीछे और आरू बैठी है अपने पापा के पास आगे। तो हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, ये हमारे गांव के पास की ही सड़क है। और अभी फ्रेंड यहाँ पे बज रहे हैं 5 और आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि 5 बजे का ये नज़ारा है कितना, यानी कोहरा छाया हुआ है, कितनी ठंड है। तो बस आपको ये दिखाने लेके जा रही हूँ कि हमारे वहाँ पे कितनी फ्रेश दूध और कितना अच्छा यानी गांव में खाना पीना मिलता है। यही मेरी हेल्थ का कहीं ना कहीं कारण है कि मैं इतनी फटाफट काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये दीदी हैं, ये एक बथुआ काट रही थी खेतों का, बिल्कुल फ्रेश ये लोग तोड़ के लाए हैं और इसे काट रही हैं। तो मैं भी इसमें से थोड़ा सा इनसे मांग के ले गई थी। और यहाँ पर भगोने में बहुत सारा हो रहा है दूध गर्म, तो इन्हीं के तो मैं लेकर आई हूँ दूध और दूध के साथ हरियाली। आप ये बता सकते हैं किसके पत्ते हैं? जे तुम बताओ किसके पत्ते हैं? मुझे नहीं पता। हैं? जी 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 हाँ, ऐसा जब देता पता नहीं मतलब कड़वा करेला खा के रहते हैं। और ये है पालक के पत्ते, मेरे पैसे भी बड़े कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो इसका हम बनाएंगे सुबह जूस अपने लिए, वाकई बहुत बड़े पत्ते हैं। और उसके साथ में ही लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाया ना मैंने कि वो बथुआ काट रही थी हैसिए से, तो ये कटा हुआ बथुआ, अब इसको मुझे धोना है। और फ्रेश बिल्कुल खेत का निकला हुआ ये धनिया, तो आज तो ना बिल्कुल हरियाली हरियाली हो गई है मेरी किचन। और ये दूध, तो उनके वहां पर बहुत सारी भैंस है, पूरे परिवार ने मिलकर एक गांव बसा लिया, इतना बड़ा परिवार है वो। और जोरदार ठंड लग रही है। चाय कॉफी कुछ पीनी है तुमको? जय चाय कॉफी कुछ पीनी है? अरे मुझे नहीं पीना कुछ भी। तो क्या कर रहे हो इस कटोरे में? बथुआ धो रहा हूँ। ये ऐसे नहीं धुलेंगे, बथुआ धो रहे हो तुम? ऐसे नहीं धुलेंगे, ये अच्छे से धोने पड़ेंगे चलनी में निकाल के, क्योंकि उन्होंने बिना धोए काटा है ना, तो इसको धोने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलो पहले मैं ना अपनी वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, अभी पोस्ट नहीं हुई है, एडिट हो गई है, यानी अपलोड हो गई है, पोस्ट नहीं हुई है, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। बस यहाँ मैंने बनाई है अपने लिए चाय, सॉरी कॉफ़ी, और मेरे बच्चों के लिए है नमकीन। तो नमकीन बच्चों ने खा ली, कॉफ़ी मैंने पी ली। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं सीधे आई हूँ यहाँ पर आटा लगाने के लिए। तो जो बथुआ लेकर आई थी ना, वो मैंने अच्छे से धो लिया। और यहाँ पर आटे में मैंने नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है, जो कि मैं होम घर पर बनाती हूँ। और ये जो बथुआ मैंने धो के रखा था, तो वो सारा मैंने पहले थोड़ा डाला, मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बट फिर यहाँ पे मैंने सारा बथुआ डाल के अच्छे से आटा लगा लिया। और गर्मा गर्म रोटी बनाई थी, जो कि हस्बैंड को इतनी अच्छी लगी कि वो कह रहे थे कि अब मैं रोज़ वहाँ से बथुआ लेकर आया करूँगा और पालक और बथुए की ही रोटी बनाया करो। तो विंटर में अगर हम ग्रीन वेजिटेबल ऐड करके रोटी बनाते हैं ना, तो वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि विंटर का टाइम ऐसा होता है ना कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं ना, वो हमारे हेल्थ में ज़्यादा असर करता है। और इस तरह की रोटी अच्छी भी लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है। तो बस यहाँ पे सुबह की ये कढ़ी और चावल हैं, और ये बथुआ की रोटी बहुत ही टेस्टी थी सच में गाइस, इतनी अच्छी लग रही थी मैं बता नहीं सकती आप लोग। तो मेरे दो फ्रेंड हैं, दो सब्सक्राइबर, बहुत ही प्यारे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि दी आप घर में अकेले काम करते हो तो थोड़ा केयरफुल रहिए। तो डियर ये दरवाजा मेरा हमेशा बंद रहता है बाय लॉक, यहाँ पे लॉक रहता है, यानी वैसा लॉक नहीं रहता, लॉक रहता है। और नाइट में तो मैं उसमें, इसमें और मेरी ये चैनल है ना, मैं तीनों में लॉक करके सोती हूँ, वो वाला लॉक करके सोती हूँ। तो अभी बंद है, अब मैं आराम से अपने घर में काम करूंगी। मेन गेट भी बंद है, तो मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ कि मैं एकदम खुला करके रहूँ। हाँ ये है कि ये लोग निकल के जाते हैं तो खोल देते हैं, फिर मैं चाहती हूँ मैं उनको बंद कर देती हूँ, ऐसे रहती हूँ। क्योंकि आजकल जो समाज में हो रहा है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, तो उसे उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है और थोड़ा डर भी लगता है। तो मैं तो बहुत यानी
ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही केयरलेस रहती हूँ, केयरफुली रहती हूँ। फिर हम जहाँ रह रहे हैं ना, वो समाज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी किसी के घर पे भी एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि ये गांव है। यहाँ पर क्या है कि दूसरे के घर में क्या खाना बनता है ना, वो भी पड़ोसी को पता होता है। कान लगाने वाली हरकतें ना, वो यहाँ पर ज्यादा चलती हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये सब क्या है कि उन एरियो में ज्यादा होता है जहाँ पर किसी को किसी से मतलब नहीं होता, कोई किसी के बारे में जानना पहचानना नहीं रखता, वहां ये सब चीजें ज्यादा होती है। इस चीज के लिए गांव बहुत अच्छा होता है, जहां पर ऐसे हादसे वगैरह भगवान की दया से कम होते हैं। और दुआ यही करूंगी कि बस भगवान ये हादसे कम ही होते जाएं, बढ़े नहीं। बहुत डर लगता है। और आप सब लोग कहते हैं ना, मुझे एक कमेंट भी आता है कि आप आरू को इतना प्यार नहीं करती, आरू को आप वीडियो में ज्यादा नहीं दिखाती। तो प्यार करने के लिए केवल ये 15 मिनट नहीं है जो मैं वीडियो में ही दिखाऊं प्यार करके, तो ही मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूं, लेकिन मैं उसे वीडियो में कम लाती हूं आजकल। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ी उसके लिए केयरफुल रह रही हूँ, इस वजह से मैं उसको वीडियो में नहीं लाती ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर उस 15 मिनट में आरू को नहीं दिखाती हूँ तो मैं उसे प्यार नहीं करती। तो आई होप आप थोड़ा समझोगे। आ गई आपके चाची ने चाउमीन भेजी है। अच्छा, मेरे लिए चाउमीन भेजी है। और किसका बर्थडे था? मेरा। हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट मिल गया? चाचा ने मैंने भिजवाया था घर से। मम्मी लॉक केक। चला रहा लॉक लगा बेटा। नहीं अभी तुम जा रही है। अभी जा रहे पार्टी, पार्टी हो रही है। अच्छा, तो बच्चों की हो रही है पार्टी और मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए भेजी है चाउमीन, क्योंकि वो ही एक मेरी फ्रेंड है मेरी गली में, मेरे जैसी यानी सूट पहनने वाली। तो देखिए उसने घर पे ही बनाई है, तो उसने भेजी है मेरे लिए चाउमीन गर्मा गर्म। और अभी बनाई है? हाँ बताओ। मैं तो पेट भर के खाया। हाँ जाओ जाओ। तो बच्चे वहीं पे अभी डांस वगैरह कर रहे हैं, जाओ मैं छोड़ के आऊँ। मैंने लुंगी डांस किया। मोलू भी जा रहे हैं? मोलू जा रहे हो दीदी सर? तो सब बच्चे वहीं जा रहे हैं, मैं करूंगी काम, मैं आ रही हूँ छोड़ने। चलो। हेलो। तो फिर नहीं, यानी किचन का पूरा काम हो चुका। देखिए सिंक साफ, सारे बर्तन यहाँ धोके रख दिए, पूरा प्लेटफॉर्म साफ। और ये अभी दूध रखा है तो ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी या तो फिर फ्रिज में रख दूंगी। और सबसे खराब काम मेरे घर में, एक तो इधर कपड़े डले हैं तार पे, और उसके बाद ये पूरा रूम अब देखना। ये पूरे कपड़े इधर, ये पूरे कपड़े इधर, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ सुखाऊं। ये 2-3 दिन पहले के कपड़े हैं जो अभी तक नहीं सूखे, यानी मैं जो शाम को ऊपर से उतार के लाई थी ना, ये वो कपड़े हैं। और आज के जो कपड़े हैं ना, वो तो देखो यहाँ पे मैं लाइट चालू करके दिखाती, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। तो देखो ये सारे मैंने यहाँ डोरी पे डाले हैं, नीचे बकेट के ऊपर ही सुखा दिए, कोई जगह ही नहीं है तो कहाँ डालूं। और कल के लिए फिर धुलने के लिए तैयार हो गए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। तो चलिए अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। और तो अब इस घर की हालत तो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहूँ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अब जो भी है ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं मुझे मेरा घर इस तरह से फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है जब तक कि स्टैंड नहीं आ जाता। तो मैंने जो नेक्स्ट में यहाँ टाइटल दिया था वो बिल्कुल सही दिया था, कुछ भी बनावट में नहीं दिया था, जो है वो मैंने बताया था उसमें भी। और आज देखो मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि पूरा घर पैक हो चुका है और मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ आधे ही। ये देखिए मैंने मेरा लोअर पहन लिया है, बस ऊपर के कपड़े चेंज करना रह गया है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बाय बोल देती हूँ, उसके बाद ही चेंज करूंगी। और 10 बज गए, सोने की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए रखते हैं इस व्लॉग को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए मेरी चोटी कितने पतले हो गए, आप लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बाल भी पतले हो गए, ये मोलू हुआ था ना उसके बाद का इन्फेक्शन है, लेकिन इतने पतले भी नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत टाइट टाइट देखो कितनी गूंथ के चोटी की है इस वजह से। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उससे आप ही के जो आप लोग मुझे पसंद करते हो तो मुझे ही सपोर्ट होगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।